चौधरी साहब तो फोन पे बात हुई मेरी, मुहूर्त तो एक घंटे बाद का है, लेकिन वो लोग तो अभी घर से निकले भी नहीं है। तू पता कर कहीं किसी समस्या में तो नहीं फंस गए वो लोग? रेर समस्या ने भी पानी पिला दे, ऐसे हैं वो लोग। मन ने तो लाग रहा है कि फिर बेवकूफ बना गए हमने, और अगर ऐसा है तो उनके हाथों में झाड़ू देके मोर बना दूंगा। अरे 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 प्यारे दादू, क्या कर रहे हो कि उम्र इस पूरी बन रहे हो? देखो शादी ब्याह वाले घर और स्टेशन पे आने वाली ट्रेन ज्यादातर लेट लतीफी होती है। क्यों? आप कच्चे घाटों में देख कर आता हूँ, क्या बात है। जा जा जल्दी देख का। टांग हाई स्कूल के एग्जाम में भी सांसें ऐसे ना अटकी थी। से चुरा के सोने चांदी, इन्हें देख के रब ने यारा मेरे सूरत तेरी बनाई। दिल बन जा रे को मिल गया ठिकाना, रब्बा ओ रब्बा रब्बा मेरे रब्बा, कैसे ना होता मैं दीवाना तेरे नैनों के नजारे, मुझे लगते हैं प्यारे। काश मैं बिट्टू से अभी मिल पाती। हाँ बिट्टू, बात करनी है तुमसे, कल मिलके मुझे उसे अपने दिल की सारी बातें बतानी है। जल्दी से सुबह हो जाए तो मैं तुमसे मिलूंगी और ये सब बातें करूंगी। तो रात खैरियत से कटी या फिर मारे यादों में करवट लेके गुजरी? मारा मतलब रात गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स वाली थी ना, तो ठीक है ना? हाँ ठीक तो हूँ, लेकिन अगर आज मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से, उसके लिए थैंक्स। अरे थैंक्स किस बात का, कन्या अगर कुछ हो जाता तो मारे वजह से ही होता ना। अच्छा मुन्नी, तने मारे लिए गोली अपने पे लेनी जरूरी क्यों लगी? वो करना जरूरी तो था। क्यों? जब मैंने देखा कि मेरे भाइयों ने बंदूक तान कर रखी है तो मुझे लगा कि मेरे भाइयों के हाथों से कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए मुझे तुम्हारी जान को बचाने से ज्यादा वो गलत काम को होने से रोकना था। सत्यानाश, कौन से सपने सोचे, कौन सी स्टोरी सुना दी इसने? लेकिन बिट्टू, तुमने मुझे खून देना जरूरी क्यों समझा? तुम्हारी जान भी तो जा सकती थी ना। वही, ताकि तारे भाइयों के हाथ तो कुछ गलत ना हो जाए। फिर ठीक है, मुझे लगा कि कहीं तुम्हें प्यार व्यार ना हो गया हो। वो वैसे भी तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो तो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मुझे पता ही नहीं चलता कि
कब तुम मजाक कर रहे हो और कब तुम सीरियस हो जाते हो। समझ तो मन में भी नहीं आता कि थारे मन में क्या है। वैसे तो है बड़ी क्यूट सी माँ की सु, इसीलिए तो तारे प्यार में पड़ गया मैं। ये भोलापन, लोगों की अच्छाइयों पर ये थारा विश्वास, थारे इस मासूम सोच पर लट्टू हूं मैं एकदम, मतलब एकदम ही फिदा हूं तुझ पे। आके फुटबॉल की तरह मारे थोबड़े पे ना मार, ये बता सारी तैयारियां हो गई ना। बाप रे बिट्टू, तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, लगता है कि तुम सच ही बोल रहे हो। मारा सबसे बड़ा सच ये है कि इस जाट ने तन्ने अपनी जुगनी चुन लिया है, पर मारी हेमा मालिनी ठीक कहती है, इश्क भी एक तरफा है, थारे कलेजे में प्यार की आग जलना बाकी है। पर कोई ना, ले तो आए तुम्हें राहे मोहब्बत बातों बातों में, मोहब्बत भी हो जाएगी दो चार मुलाकातों में। इतना क्या सोच रहे हो, सब तैयारियां हो चुकी है, तुम खुद ही चल के देख लो। चलो बिट्टू मुन्नी ते प्यार, यो सोचने का वक्त ना है भाई साहब, हमें जल्द से जल्द कुछ क्या हो गया, सब ठीक? ये मतलब क्या है कि पूरे गांव में तैयारी हो रखी है, इज्जत पे बात आ जाएगी अगर सब ठीक ना हुआ तो। ना ऐसी कोई बात ना है, वो तो ज्योति जिद कर रही है कि उसने शादी पे ताऊजी चाहिए, और वो घर पे है ना। घर पे ना आया तो फोन करो और बुला लो, मतलब कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है। था मैंने, लग नहीं रहा। कहीं मारवाड़ तो ना दिया ताऊजी को आप लोगों ने? मजाक कर रहा हूँ। चलो काम करो, कोई नहीं आप लोग जाओ हमारे घर, मैं ताऊजी को लेके आता हूँ, जल्दी आना। भाई साहब अब ये ताऊ को कहाँ से लेकर आएगा, उनको तो खर्च कर दिया आपने। भाभी माँ, भाभी माँ आप वो अचानक से वहां से चली आई, आपको लाडो थारे और बिट्टू के बीच में क्या चल रहा है, ताने कुछ समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहा था? भाभी माँ वो बिट्टू मजाक कर रहा था, आदत है उसकी, आप टेंशन मत लीजिए। टेंशन मने कोई टेंशन ना है, टेंशन तो उस छोरे और उसके परिवार वालों को होगा जब थारे बाऊजी को ये बात पता चलेगी थारे और उस बिट्टू के बीच में कुछ बकरास है। भाभी माँ, भाभी माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लौटो बैठ,
माता रानी के सामने हाथ जोड़ और मने बता कि थारे और उस बिट्टू के बीच में कुछ भिड़ा है। भाभी माँ, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है उसके लिए, और मैं बोल भी चुकी हूँ बिट्टू से। भगवान का लाख लाख शुक्र से। देख लाडो, माता रानी के सामने बोल रही है, झूठ मत बोलना। जा, देख ज्योति तैयार हुई कि नहीं। कसम तो मैंने भी ली है लाडू, थारे और बिट्टू की प्रेम कहानी की आग में घी बढ़ने की, तब तब तो गिरेगी अपने बाऊजी और भाइयों की नजरा में। फिर जो रिश्तों में कड़वा हटावेगी ना, वो उस राज पे भारी पड़ जावेगी जिसके कारण मैंने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। फिर शायद तारे बाऊ जी हमारी अपनी औलाद जन्ने के लिए मान जाए। मारा सुख चैन तो बस इस बात में है कि तोर मुन्नी कदे भी ना जुड़ पावे। मन्ने आ प्रेम कहानी शुरू होने तो पहला ही खत्म करनी होगी। माफ कर दे बिट्टू, तारी माँ हूं, के सही है के गलत है तारे ते बेहतर जानू सु। जिस कली में सिर्फ तकलीफे हो उड़े तने पैर भी नहीं धरण दूंगी। हाजो ते शुरुआत करूंगी तारे और मुन्नी की प्रेम कहानी खत्म करने की। शुरुआत से ही शुरुआत करूंगी थारे और बिट्टू की प्रेम कहानी को मजबूत करने की। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। वैसे भी अब हम समधी बनने वाले हैं। मास्टर जी, इस माला का असली हकदार मैं नहीं बल्कि आप हो। बहुत ही नेक इंसान हो आप मास्टर जी। डॉक्टर साहब को अपना बेटा मानकर मारी ज्योति को दुल्हन बनाकर अपने घर में ला रहे हो, आजकल के जमाने में कौन करता है। नहीं नहीं चौधरी साहब, यह सब तो आपका बड़प्पन है। आइए भीतर आइए, आप लोग आइए। ठीक है। अरे कहाँ अंडरग्राउंड हो गए ताऊ, और इंसानों की प्लानिंग तो ना है ज्योति और डॉक्टर की शादी रुकाने की। यार मेले कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां तेली महबूबा आने वाली है, वो फूल तैयारियां। अरे सारे पे वो मुन्नी पे फूल बरसाने वाले थे, तो मैं तू मुन्नी माँ, अरे भूल ना जाए। अरे शुभ काम कर रहा हूँ, कुछ तो मदद करो। सब ठीक हो, बस हमारी मुन्नी का वेलकम फूलों के गिरने से ही हो। Thank you.
क्या रहा है ये मुझे? और जागती आंखों से बिट्टू के सपने क्यों आ रहे हैं? लगता है कुछ दिनों से बिट्टू बिट्टू बहुत हो रहा है ना, इसलिए। ये फूलों की पंखुड़ियां कैसे रच गई तेरे बाल में? फिर भी ना बहुत सुंदर लग रही है। चल चलते हैं अंदर, मैं कोई आईना देखकर ये पंखुड़ियां निकाल लूंगी। ऐसे ना देख वरना प्यार हो जाएगा मुझे से। आंटी जी मेरे बालों में फूल गिर गए थे तो मुझे आईने में देखकर निकालने थे, और यहाँ आईना देखा तो यहाँ चली आई। मेहमान है, बाकी मेहमान ना गले जाके बैठना, हमने भी मौका दे तारी सेवा करण का। और एक और बात, आइंदा अपनी जिंदगी में यो गलती ना दोहराना। आई बात समझ में? माफ कर दीजिए आंटी जी। सर निकल। फोन ऑफ बता रहा है। हाँ चुपन चुपाई खेल रहे हो ताऊ जी, पाताल में जाके छुप के बैठ गए के। बिट्टू। हाँ बिट्टू, ताऊ जी का कुछ पता नहीं चल रहा यार, पता नहीं वो ठीक भी होंगे कि नहीं। अरे ठीक ही होंगे, उन्हें क्या होगा। नहीं यार मतलब, अगर वो सही सलामत नहीं हुए तो ना ही ज्योति और डॉक्टर की शादी होगी और ना ही तेरी लव स्टोरी की शुरुआत। मैं ही आया। हेलो। अरे बड़े चौधरी, अरे मैंने बताओ ये आखिरी बार ताऊ जी से कब बात हुई थी तारी? घर पे, फिर उसके बाद कोई बात ना हो पाई। अच्छा देख बिट्टू, हमारी बात सुन। तो ताऊ जी इससे पहले भी बगैर बताए घर पे आते जाते रहे हैं, और उन्हें छोड़ दो, यहाँ शगुन की रस्म शुरू होने वाली है, तू नहीं आओगा तो फिर ये रस्म अधूरी रह जाएगी। वाह दिल खुश कर दिया, इतनी फिकर इतनी कदर मारी। पर ना जवान दिए बिट्टू ने, ताऊ जी को लेकर ही आऊंगा। अरे देख मानना तो ना जवान दे रखी है, पर ये तो हमारे बीच की एक कमरे के अंदर की बात है ना, कौन सा डिंडोरा पीट रखा है। देख तू इंसान है, और इंसान कई बार जो बोलते हैं नहीं कर पाते हैं, वो सब छोड़ तू आ जा ना। बड़े चौधरी
बंदूक की गोली और बिट्टू की बोली एक जैसी है, एक बार निकल गई ना तो फिर पीछे नहीं हटती। इब तो ताऊजी को लेकर ही वापस लौटूंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.